स्तरीय समारोह में योग विशेषज्ञ डॉक्टर संतरा गजानन जांगीड और अरविंद सिंह राठौर ने आमजन को योगा अभ्यास करवाया। समारोह का शुभारंभ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, एसपी दिंगत आनंद, एसडीएम लोकेश कुमार गौतम, एसडीएम सत्यनारायण सुथार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय समेत कई लोगों ने मौजूदगी दर्ज की। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि दूषित पर्यावरण से बचने के लिए योगा करें ताकि आपके शरीर की व्याधियों को दूर किया जा सके। योग करने मानव के जीवन में सकारात्मक सोच की उत्पत्ति होगी। योग करने से मन को स्थिर रखा जा सकता है। आज पूरे विश्व के 193 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारी पुरानी परंपराएं, ऋषि मनीषियों ने जिसे योग के माध्यम से अपने जीवन को जिया, आज हमारे जीवन को बचाने के लिए अहम भूमिका निभा रही है। सामंजस्य और शांति, ये ध्येय वाक्य है इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। निश्चित तौर पर शांति की आवश्यकता है, सामंजस्य की आवश्यकता है, यही योग हमें सिखाता है। इस योग दिवस पर योग साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग हमारे जीवन को एक नया संदेश देगा, हमारी शांति समृद्धि और शारीरिक रूप से हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, इस भावना के साथ आओ हम सब लोग योग से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। योग दिवस पर भरतपुर जिले के डीग जल महल परिसर में समारोह का आयोजन किया गया।